ठीक है दोस्तों, आज हमारे पास है पैनासोनिक इलुगा डबल ई i7EE। ठीक है, ये मॉडल में लॉक है लेकिन दोस्तों इसमें हार्ड रिसेट का ऑप्शन दिया है, लेकिन वाइप डेटा फैक्ट्री जो ऑप्शन आता है वो डिसेबल हो चुका है। तो आज हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे, क्योंकि जब भी आप हार्ड रिसेट करोगे तो वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट का जो ऑप्शन है वो इसमें नहीं आता, मतलब डिसेबल किया हुआ है। तो ठीक है, इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे बाद देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको दो ड्राइवर आपको दिखाई देंगे, ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये ओल्ड है। ठीक है, जब फोन जो डिवाइस है वो ओल्ड है हमारा, तो हम इसे ओल्ड ड्राइवर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहिए तो न्यू ड्राइवर है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा। और अगर आप चाहिए तो अगर ये इंस्टॉल नहीं हो रहा तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो कोड इस्तेमाल मैं करूँगा, एक फाइल है यूज़र डेटा का और एक कोड है। ठीक है, यूज़र डेटा फाइल तो आप इजीली उसे फ्लैश करके इसका लॉक रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो कोड FRP के लिए जो मैं दूंगा वो कोड में आपको बहुत बड़ी सावधानी रखनी होगी कि स्पेस ना रह जाए, स्पेस और कोई डिजिट मिस ना रह जाए। अगर ऐसा होता है तो फोन आपका ब्रिक हो सकता है, फिर आपको पूरा फ्लैश करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़, अगर आपका फोन कोई लोगों पर है या लोगों पर हो सकता है लोगों पर आ जाए तो आप फुल फ्लैश कर दीजिए। ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ आपको फुल फ्लैश का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फाइल का, और ये जो लॉक रिसेट का फाइल है उसका भी मैंने लिंक नीचे दे रखा है। अब हम SP टूल ओपन करेंगे, ये वर्जन है 1916 का, वो ही इसमें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3-4 वर्जन चेक कर चुका हूँ लेकिन एक भी सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम इसे स्कार्टर फाइल लेंगे, ये वाली। ठीक है, आपको इसमें सिर्फ एक ही फाइल सिलेक्ट मिलेगी, यूज़र डेटा। ठीक है, तो हम पहले यूज़र डेटा को फ्लैश करेंगे। तो सबसे पहले फ़ोन को हम ऑफ कर देंगे, पहले यहाँ स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट, और यहाँ हम फ़ोन को फोन को ऑफ कर दिया है, और स्विच, कोई स्विच नहीं दबाना, कोई की आपको दबाना है, सिर्फ और सिर्फ USB कनेक्ट कर देना है। ठीक है, वेट करना है थोड़ा। देखिए, यहाँ आपका लॉक रिसेट हो गया, हम सिर्फ USB निकाल दीजिए। ठीक है, और इसको पकड़ के रखिए। अब यहाँ ओके कीजिए, और यहाँ फॉर्मेट पर जाके जो कोड हमें FRP के लिए यूज़ करना है वो कोड यहाँ है। ठीक है, अगर आप जीमेल भूल चुके हैं, जीमेल पासवर्ड कस्टमर को याद नहीं है, तो ये कोड से आप इसे बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट, ओके, यहाँ स्टार्ट कर देंगे, और फिर से एक बार सिर्फ USB डालेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, हम इसे स्टार्ट कर देंगे। चलिए इसे ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों, जो कोड है उसमें सावधानी बरतिएगा, थोड़ा मिस ना हो जाए कोई और स्पेस ना रह जाए। ठीक है, अगर अगर फिर भी आपके पास कोई ऐसा पीस आए जो लोगों पर है, तो आप ये फुल फाइल का मैं लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके फुल फ्लैश कर सकते हैं और लोगों से आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ बतानी की थी आपको,
ये सिर्फ और सिर्फ इलुगा डबल ई मॉडल, i7EE मॉडल में ये आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक मॉडल सिर्फ आता है सिर्फ i7, जिसका सीपीयू अलग रहता है, MT8567 ऐसा कुछ रहता है, और इसका सीपीयू अलग है। इसका आप देख सकते हैं, ये वाला है 6739 वाला सीपीयू है, और 6765 ऐसा सीपीयू आता है, ठीक है। दोनों सीपीयू अलग अलग होने से मॉडल आप जो कोड इस्तेमाल करेंगे वो यूज नहीं होगा और फोन डेड हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ i7EE मॉडल का ये फाइल है, तो आप इसी में यूज़ कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। स्किप करते हैं, स्किप करते हैं, स्किप। ठीक है, ये सक्सेसफुली हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।